18 फरवरी 2008, और मुरली का शीर्षक है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप के आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है, और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज्यादा पार प्यार है, और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है, चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता है प्रकृति द्वारा सत्ता को कार्य करना। तो प्रकृति भी साइंस के साधन होते प्रयत्न करते अभी कंट्रोल में नहीं है, और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती? यह साइलेंस की शक्ति विश्व परिवर्तन करेगी। यह चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन हैं जानते हो ना? सिवाय परमात्म पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी को यह उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले साथ में चलते हुए भी देखा है कि जितना ही दुनिया में तीनों सत्ता की हलचल है, उतना आप शांति की देवी, शांति के देव, जितना शक्तिशाली शांति की शक्ति को प्रयोग करना चाहिए उतना कम है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं, सेवा के क्षेत्र में आवाज अच्छा फैल रहा है, उसमें हलचल है, लेकिन साइलेंस की शक्ति, बीच में बार बार खांसी आ रही है, तो बाबा कहते बाजा खराब है, फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते, और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते, सेवा का प्लान बनाते, और खांसी जब आ रही है तो बाबा कहते हैं बाजा कितना भी खराब हो लेकिन बाप दादा का प्यार है।
तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता, क्योंकि अपने लिए भी सारे कल्प की प्रारब्ध वो तभी बना सकते हैं। इसके लिए अभी हरेक को स्व के प्रति सारे कल्प के प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्तियों द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य कर सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा ही क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं। सारे दिन में चेक करो, साइलेंस पावर कितनी जमा की, सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते हैं उतनी नहीं होगी। मेहनत ज्यादा और फल कम। सेवा करो लेकिन शांति के शक्तियों से संपन्न सेवा करो। इसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वह अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहा है, धर्म गुरुओं के तरफ नजर घुमा रहे हैं, और साइलेंस और साइंस वाले भी या अभी यही सोच रहे हैं कि कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सबको जवाब देने वाले कौन? सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना? बाबा पूछ रहे, आप लाने वाले हो ना? हाथ उठाओ तो समझते हैं निमित्त को। अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए? आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो, ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन प्रमाण प्राप्त होता है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने की के लिए करते हो ना, ऐसे यह मीटिंग करो, यह प्लान बनाओ, याद और सेवा।
याद का अर्थ है शांति की पावर और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, तो वहां खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज सबसे टॉप क्या है? वो है परमधाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप के स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो पांच पांच मिनट भी कहां शांति से बैठ जाते हैं ना, तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले आओ। तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? रचता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो के बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे का सेवा का टर्न है। बाबा कहते हैं नाम ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामानुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही। अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाएं, उसके प्लान बनाओ। बाबा पूछते हैं बनाएंगे ना? अच्छा, बाप दादा को एक मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। आप इस रू रिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वह भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आप बनो बनाओ और हीरे वह जोड़ेंगे। बाबा जौहरी हैं रहे हैं तो जौहरी की लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना? हिम्मत टीचर्स, हिम्मत है? पहली लाइन हिम्मत है। संस्कार मिलन या रास कौन सा जोन करेगा? कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति या कैसे हो, एक जोन यह उठाएं। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहते भी हैं लेकिन कर नहीं पाती, तो उनों के प्रति क्या रहम दिल, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाएं, इसका प्लान बनाएं। यह हो सकता है? बाबा पूछते हैं हो सकता है? पहली लाइन बताओ हो सकता है। आगे वाले को बाबा पूछते हैं हाथ उठाओ हो सकता है।
क्योंकि पहली लाइन में सब बाहर ही बैठे हैं, अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं। हर एक जोन को जो अच्छा लगे वह रू रिहान कर फिर शिवरात्रि के बाद भी एक मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है, वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी बाप दादा मुबारक मुबारक दे ही रहे हैं। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ ये नहीं है कि साहूकार हो, क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे। बाकी माइक और वारिस वह तो जानते ही हो, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। अच्छा, अभी बाबा डबल फॉरेनर्स को उठा रहे हैं। युगलों और कुमारियों की रिट्रीट विशेष चली है, ये निशानी लगा के आए हैं, अच्छा लगता है। कुमारियां ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखें, चक्र लगाओ, अच्छा है। सभी लक्की हैं, लेकिन कुमारियां डबल लक्की हैं। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लक्की हैं, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का गुरु भाई का तत्व मिलता है। दिल तक तो है ही, वह तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहां बैठ करके मुरली सुनाते हैं। टीचर बनके टीच करते हो, इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि कुमारियां कुमारियों के लिए गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाली है। तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन और जिनों के निमित्त बनती हो उनको भी 21 जन्म का उद्धार किया। तो ऐसी कुमारियां हो ना, बाबा पूछते ऐसी हो, बाबा पूछते पक्का, जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वह हाथ उठाओ, पक्के हैं? आपने देखा पक्की कुमारियां है। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाले बताएं पक्की है, कुमारियों का ग्रुप पक्का है। उनकी टीचर कौन? मीरा बहन बोलती है पक्का तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी है, अच्छा। ये कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है, इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियां आई है, सबने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया, मुबारक हो। यह तो कुमारियां हुई, आप सब कौन हैं? आप कहो यह तो कुमारियां है, हम ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां हैं। आप भी कम नहीं है, यह कुमारों का ग्रुप है, मिला हुआ ग्रुप है, अच्छा है। युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा मालूम है। जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारणा करने लगे हैं तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्म कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्म कुमार कुमारी बनके परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और युगलों की विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते व्यवहार करते, हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है। तो विजय की हिम्मत दिलाना यह युगलों का काम है, इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं, ठीक है ना? चैलेंज करने वाले हो ना, पक्का? कोई आके CID करे,
तो करने दो, कहो करने दो। है ताकत? अगर है तो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है कि काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कई क्लास भी कराते, लेकिन ऑलराउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं, यह है ऑलराउंड ग्रुप। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, अभी ग्राम विकास प्रभाग की मीटिंग चल रही है। अच्छा सुनाया था, कोई नवीनता कर रहे हो है ना? कर रहे हैं कोई नवीनता? क्या कर रहे हैं कोई भी बताए। तो मोहिनी बहन ने सुनाया, योग के प्रयोग के साथ जैविक खेती करने का प्लान बनाया है। अच्छा है, क्योंकि आजकल जो खेती से निकलता है उसमें भी प्रॉब्लम्स है, तो अच्छा कार्य किया है। एक अपना फायदा योग करेंगे और दूसरा जनता की दुआएं मिलेगी, तो अच्छा कर रहे हैं। उमंग उत्साह से कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, जो आज नए पहली बार आए हैं वह उठो, आधा क्लास नया है, तो आप सबको मधुबन आने की विशेष खुशी होगी, खुशियों की मुबारक हो। और बाप दादा सदा सभी को यही कहते हैं कि अमर भव का वरदान सदा अमृत वेले रिवाइज करते रहना। यहाँ बाप का वरदान तो मिलता है, लेकिन समय पर वरदान काम में तब आएगा जब रोज रिवाइज करते रहो। तो रिवाइज करते रहना है और आगे से आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, बाकी सभी जो भी आए हैं तो बाप दादा आप सभी के बहुत बहुत प्यार भरे आह्वान से शरीर को चला रहे हैं। अच्छा, टीचर्स ठीक हैं? बहुत हैं टीचर्स। अच्छा, पुरानी भी उठ रही है। अच्छा है, देखो बाप समान टाइटल आपको भी है, बाप भी टीचर बन करके आता है, तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं, जीवन भर नहीं भूलता है। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनाना, यही काम करते हो ना? अच्छा है, जो भी अनुभव में कमी हो ना, वह एक मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, अभी चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले, चारों ओर के बाप दादा के लक्की और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
और नमस्ते। और आखिर में शांतामणि दादी को आप कौन सा टाइटल, आपको कौन सा टाइटल मिला है? सचली कौड़ी। बाप दादा सदा सचली कौड़ी के रूप में देखते हैं। अच्छा अच्छा है, फिर भी देखो चला रही है। मुबारक हो, शरीर चल रहा है। अच्छा, मुन्नी बहन ने बाप दादा से पूछा, बाबा दादी का जन्म हो गया है? बाप दादा ने जवाब दिया कि हाँ हो गया है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी सभी एक मिनट साइलेंस रखेंगे, फिर मुरली का चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा, बाप दादा ने अलर्ट किया है कि अभी समय, उसी 2008 में अलर्ट कर दिया, अभी समय है ही, अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है जो अभी दिखाई दे रहा है। ऐसे समय पर शांति की शक्तियां द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इसमें बहु काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी 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 नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टोपी स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट कहाँ से भी शांति के लिए बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है। ऐसे बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप स्थान है आपका 60 चक्कर को देखो। 60 चक्कर में टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर आगे सुई पर टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए और सेवा की और फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो समझा क्या करना है? बाबा ने टॉप 2 स्थान था, पहले परम धाम में आ जाओ, चक्र संगम पर आ जाओ सेवा करने के बाद। ओम शांति। और बाबा ने क्या बताया आज? ओम शांति। बाबा ने बोला मन बुद्धि को सदा ही क्लियर व क्लीन चाहिए। किसी भी आत्मा को कार्य के प्रति या साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव नहीं हो, नहीं तो टचिंग नहीं होगी। और सदा साइलेंस की पावर को बढ़ाते जाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ यह नहीं कि साहूकार हो, क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखाओ, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत बुद्धि। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
आज प्यारे बाप दादा ने विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो, बाबा ने कहा कि साइंस की सत्ता तो प्रकृति द्वारा कार्य करती है और ये साइंस के साधन होते प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है, आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और बढ़ते जाएंगे क्योंकि अभी आदि वाली प्रकृति नहीं है शक्ति उसमें। तो बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी, तो साइलेंस की शक्ति के लिए मन और बुद्धि सदा क्लीन एंड क्लियर रखो, इसमें वेस्ट नेगेटिव जरा भी ना हो। इसके लिए बाबा ने अभी पहले की भी मुरली में कहा था कि जो कार्य कर रहे हो उसी में एकाग्र करो, ये ड्रिल करो, एक सेकेंड में अभी परम धाम में स्थित इसका इस ड्रिल का बहुत काल का अभ्यास हो, क्योंकि इसी से ही एकाग्रता बढ़ेगी और कंट्रोलिंग पावर आएगी। तो कंट्रोलिंग पावर आएगी तो फिर हम टचिंग होगी तब हम सही निर्णय ले सकेंगे। तो बाबा ने साइलेंस की शक्ति बढ़ाने के लिए ये बोला। ओम शांति। हाँ जी, इसी को आगे लेते हुए बाबा ने कहा कि ओम शांति, मैं शुरू से लेती हूँ इसको। जैसे यहाँ पे बाबा ने कहा है कि चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता, चाहे साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती, तो यहाँ पे साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है, साइंस की सत्ता। तो बाबा ने आगे कहा कि प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है और आगे चलकर यह प्रकृति खेल और भी बढ़ते जाएंगे खेल आगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही, आदि समय की जो पहले थी। ऐसे समय पर अभी सोचो अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ बाबा ने कहा यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल को मिटाने वाले कौन हो, बाबा ने कहा कि परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चे। तो हमें आगे बाबा ने उमंग उत्साह दिलाते हुए कहा कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के साथी बनेंगे। तो यहाँ पर शांति की शक्ति का अनुभव बढ़ाने के लिए हम अपने प्रयोग द्वारा ये वाइब्रेशन फैला सकते हैं, क्योंकि मास्टर शांति के देवा जैसे बाबा ने बताया कि बनने के लिए आवश्यक युक्ति और पुरुषार्थ जो हमने करना है, शक्तिशाली कैसे बनेंगे हम। यहाँ पर मुझे आत्मा का एक चिंतन है कि शांति की शक्ति को अनुभव और प्रयोग में लाने के लिए हम अंतर्मुक्त और एकांतवासी बनने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शांति की शक्ति अगर अनुभव करेंगे करनी भी और करानी भी है। तो मन के एकाग्रता जो बाबा ने वृत्ति और शक्ति से वृत्ति यहाँ पे शक्ति चलनी होनी चाहिए। फिर साथ में हम संकल्पों के विस्तार को जो हमने विस्तार को उसको सार रूप में अगर लाएंगे तो साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। अगर हम इस ये अपने ऊपर प्रयोग करने के बाद भी अगर हम व्यर्थ और बाह्य मुक्ता में और अंतर्मुक्ता में आ जाएं, मुख के जो हमारी मुख की आवाज है वहां पर भी हम व्यर्थ को समेट कर हम सार में लाकर साइलेंस की शक्ति जमा कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा दिल से गया अभी एक सेकंड धुआ, एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वही मन को एक ही संकल्प से सिद्ध करो, मैं बाप और माए परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु शुरू को परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा अभी साकार में आ जाओ, अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जो कार्य करो रो है उसी कार्य में एकाग्र करो, कंट्रोलिंग पावर को अच्छा बढ़ाओ, मन बुद्धि संस्कार तीनों ऊपर कंट्रोलिंग पावर वह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकेंड में कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो तो वह अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना क्योंकि समय पर वही अंत स्वागी पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो, तो रास्ता कौन है? तो बाप ने कहा कि हाजी,
हाँ जी, एक ऐसे ही एक दो को बातों को स्वभाव को वृत्ति को समझते, हाँ जी करने से संगठन की शक्ति और साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। बाबा ने कहा कि संगठन की शक्ति ही शांति की ज्वाला को प्रकट करेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया, जगदम्बा मामा ने भी किया, गुप्त पुरुषार्थ किया शांति का, शक्ति जमा करने का, और हमारे दादी ने भी किया, बड़ी दादी, तो बाबा क्योंकि सेवा में सफलता शांति की शक्ति से होगा बाबा, इसलिए बोला बाबा ने कि सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल जो सफलता मिलना चाहिए वो कम हो जाती है, तो इसलिए बोला सेवा करो तो शांति के शक्ति से संपन्न सेवा करो, और बार बार चेक करो शांति के शक्ति से सेवा कर रहा हूँ, तो चेक करते रहेंगे तो शांति की शक्ति भी आएगी, मान लो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तो वापस फिर हम शांति की शक्ति जमा करके फिर सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे अभी सभी भाई बहनों ने शेयर किया है कि साइलेंस की शक्ति कैसे जमा करनी है, तो एक संकल्प चला बाबा ने जैसे दिया कि लाइट की जो बात बाबा ने कही है यहाँ पे, साइंस की शक्ति प्रकृति के आधार से चलती है और प्रकृति का आधार और प्रकृति की लाइट से चलती है साइंस की पावर। बाबा ने कही आगे पहले की मुरलियों में भी हमें बताया है, इशारा किया है कि आपके पास साइलेंस की शक्ति है और आप जो लाइट यूज करने वाले हो, जो आगे चल के आपकी प्रत्यक्षता होगी वो लाइट से होगी। तो बाबा यहाँ कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं, जो हम लाइट भरते हैं बाबा से अभी लेते हैं। तो थोड़े दिन पहले ही मैंने यहाँ क्लब में भी जिक्र किया था, शिवानी दीदी का जो क्लास था उन्होंने 18 जनवरी 2022 की मुरली में जो बाबा ने कहा था कि अव्यक्त फरिश्ता का ड्रेस पहन के कैसे रहना है और एक एक घंटे में पांच पांच दस दस मिनट ये ड्रिल करनी है, तो ये संकल्प चला कि जो हम ड्रिल करते हैं वो लाइट का जो ड्रेस है, बाबा से लाइट लेते हैं तो वो जो लाइट भरते हैं उस लाइट में पवित्रता है, क्योंकि वो लाइट सफेद जो लाइट है बाबा की उसमें पवित्रता भरी हुई है और वो पवित्रता है सुख और शांति की जननी। तो जितनी हम लाइट भरते जाएंगे तो बाबा की लाइट भी भरेंगे, उससे हम अव्यक्त भी बनते जाएंगे और सुख शांति भी हमें भरती जाएगी, तो एक से दोनों काम होंगे। तो ये जो हमें बाप दादा ने ड्रिल बताई है वो करने से शांति की शक्ति और साथ साथ लाइट भी जमा होती रहेगी हमारे में। तो हम सब भाई बहने ये भी कर सकते हैं और बाप दादा ने जैसे इसमें बताया है मुरली में कि अभी संगठन करके कोई प्लान, ऐसा प्लान बनाओ को जिससे आपके जो ब्राह्मण परिवार है सहयोगी, जो आत्माएं पुरुषार्थ में थोड़े ढीले हैं उसको भी पुश मिल जाएगा, उसको भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा, थोड़ा मदद मिल जाएगी ब्राह्मण परिवार को भी। तो हमें भी ऐसे अभी मनन चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम करेंगे, कोई कैसा प्लान बनाए कि ऐसे प्रयोग का प्रयोग भी हो जाए और हम सभी ब्राह्मण भाई बहनों को मदद भी मिल जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जो आपको वरदान मिलता है लेकिन समय पर वरदान काम में आए तब आएगा जब आप रोज रिवाइज करते रहोगे, तो रोज रिवाइज करते रहना, आगे से आगे बढ़ते रहना, सदामृत वाले रिवाइज करते रहना। जैसे बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने कहा था ना, जो अगर मुरली नहीं पढ़ते तो आप मुरली की शुरुआत पढ़ सकते हो और वरदान स्लोगन पढ़ सकते हो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं तभी वरदान काम में आएगा जब सदामृत वाले रिवाइज करते रहोगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं अगर कोई आत्मा स्व संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहती भी है लेकिन कर नहीं सक पाते, तो उनके प्रति रहम, दिल, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए, उसका प्लान बनाओ। ओम शांति। और किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? आज बाबा ने दो टॉप स्थान बताए हैं, कौन कौन से हैं? एक तो बताया सभी ने, एक तो परम धाम दीदी, दूसरा बाबा ने बोला षष्ठ चक्र के ऊपर टॉप स्थान पर बैठ जाओ, षष्ठ चक्र को देखो।
सृष्टि चक्र को देखना है, उसमें अपने श्रेष्ठतम पार्ट को देखना है। फिर बाबा ने कहा फिर सेवा की टॉप स्थान पर जाओ, सेवा की नीचे आए सेवा की और फिर से टॉप स्थान पर बैठ जाओ। तो बाबा ने आज दो योग की ड्रिल्स बताई हम सभी के लिए। तो मैं विभीष भाई जी से अभी समय भी हो रहा है, भाई जी आप हम सभी को होमवर्क दें और हम सभी को योग भी कराएं। होमवर्क में ये है कि जैसे इस टाइम का जो बाबा मिलन हुआ था उसमें भी बाबा ने डबल सेवा की बात की है। दूसरी जो सेवा है वो मनसा सेवा की बात की है। तो हमें साइलेंस की शक्ति का होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, कितना हम चीजों से उपराम रह सकते हैं, कितना अटैचमेंट से दूर रह सकते हैं, कितना साक्षी भाव में हम रह सकते हैं, क्या संकल्प रख सकते हैं और आत्माओं के लिए। और जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसमें मनसा शक्ति से कैसे सकाश दे सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी। तो ये रहेगा आज का होमवर्क दीदी। दो मिनट साइलेंस में बैठ जाएं। मन का साइलेंस, शांति। बाबा से तार जोड़ने, पर बैटरी चार्ज करनी। जैसे हम थक जाते हैं तो बाबा ने जैसे कहा हम आराम करते हैं। वैसे शांति से हर परिस्थिति को देखना है, समझना है। और देही अभिमान में रहते उस समय को पार करना है। जो हो गया है, जो हो रहा है, उसे निश्चय से ड्रामा समझना है। और हमारी कौन सी वृत्ति से, कौन सी कृति से, कैसी वाणी से हम सात्विकता की ओर, सत्युग की ओर, शांति की ओर प्रयाण करें। औरों को भी उसी राह पर लेके जाने के निमित्त बने। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं करुणा भरी हुई आत्मा, मन में शांति और मुख पर मुस्कान। ये दिव्य गुण के साथ
मुझे अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी इतनी सुंदर अनुभूति योग में कराने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। इतना बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। हैप्पी सतगुरु ऑल। हैव अ नाइस डे। ओके। गुड इवनिंग।